कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका गाना, इसलिए गा रहा था कि आपका होने का आज मन कर रहा है, क्योंकि कल एक कमेंट मैंने आप लोगों से शेयर किया कि बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि यार शेयर चैट की वीडियो जो बना रहा है ना भाई, तो वो फेक बना रहा है और बहुत गलत बना रहा है, और कृपया करके बंद कर दे अपना चैनल। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे को आए, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि आप लोगों को लगता है कि मैं सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ। तो भाई आप लोगों के कुछ के रिप्लाई मेरे को जो मिले जो पॉजिटिव थे, ऑल हेल्प गुरुजी, प्रोड्यूसर डैक्स, राज दुबे, सोमनाथ, अपनिल जायसवाल, निक्स लवर, गोविंद कन्नौजिया, अभिजीत कुमार, कृष्णा पोहावा और शेयर चैट चैम्पियन, छोटे कुमार, हैक्स मेक ब्यूटी, मिथुन, प्रोमिला शर्मा, ओकेज एंटरटेनमेंट के साथ ऐसे बहुत से कमेंट्स मुझे आए जिसमें बताया भाई साहब आप गलत तो बनाते ही नहीं हो, कैसी बात कर रहे हो। तो भाई उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना था मेरा जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं गलत वीडियो बना रहा हूँ शेयर चैट की। तो आज के टॉपिक को हम साइड में रखते हैं और सीधा मेन आ जाते हैं मुद्दे पर। मुद्दे की बात आज ये है कि आज अपने वीडियोज़ पर आप व्यूज़ कैसे लेके आओ, ये सबसे बड़ा टॉपिक को मैं आज छेड़ने वाला हूँ। क्योंकि कल मैंने जो बताया था वो बताया था आपको वायरल कैसे करना है पोस्ट को, लेकिन वायरल का मेथड और व्यूज़ का मेथड ये दोनों अलग अलग हैं। तो आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं व्यूज़ को लेकर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वायरल वाले चीज़ों में से उठानी पड़ेगी, कुछ चीज़ें ऐसा नहीं कि 100 में से 70 उसमें से उठा ले, नहीं, 100 में से 20 उसमें से उठाना और 80 आज का जो मेथड है वो कुछ अलग यहाँ पे होने वाला है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले भाई जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं भाई उन लोगों का धन्यवाद, आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो, और जो लोग पहले से बने हुए हैं दोनों को कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक कर देना अभी से, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। और हाँ भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। और आज कैसा लग रहा हूँ थोड़ा, मतलब हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मंगवाए हैं ऐसे। चलो ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है आप अपने शेयर चैट पर जो पोस्ट डालते हो उस पोस्ट की टाइमिंग क्या है। टाइमिंग का मैंने कल भी बताया था आपको, लेकिन आज के जो टाइमिंग का शेड्यूल है वो शेड्यूल ही आपका वही है जो कल था, यानी कि सुबह 8 बजे 7 बजे वीडियोज़ आप डालो। अब वीडियोस आप डालते हो, फोटोज भी आप डालते हो, तो उस पर व्यूज़ कैसे आए। देखो वीडियो से पैसा मिलता है, फोटो से नहीं मिल पाता है, आप सब लोगों को पता है। लेकिन अगर आप वीडियोस फोटोज़ डाल के अपने पोस्ट पर व्यूज़ लेके आ रहे हो, तो व्यूज़ का मतलब लोग आपके कमेंट्स भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको फॉलो भी टच होंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम बात व्यूज़ की कर रहे हैं, ना कि हम कोई अर्निंग की कर रहे हैं। अर्निंग की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ व्यूज़ की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो व्यूज़ कैसे लेके आते हैं भाई, यहाँ पर व्यूज़ के लिए आपको एक एल्गोरिथम अपनाना पड़ेगा, जो कहते हैं हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। तो आपको अब थोड़ा समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप अपने पोस्ट को जब बनाते हो, जब उस पोस्ट को पोस्ट करने के लिए जब जैसे ही आप टैप करते हो रिकॉर्डिंग के बाद, तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलता है जिसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स। जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो वहाँ पर टैग भी टाइटल भी आता है, सब कुछ आता है। तो टैग आपको एक ले लो दो ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में काम करना है। अब डिस्क्रिप्शन में काम क्या करना है, कैसे उसमें आप सोच सकते हैं कि व्यूज़ आएंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, यूट्यूब पर जब थंबनेल आप देखते हो, थंबनेल इन द सेंस कि जो स्क्रीन पर आप एक पिक्चर देखते हो लगी हुई, अगर उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है कि सलमान खान ने शाहरुख खान को दी गाली, अब वो गाली वाला जो वर्ड है वो आपको समझ में आ गया, सलमान खान ने गाली कब दे दी। आप जब ये देखते हो अंदर जाके, जैसे उसे क्लिक करते हो, तो पता लगता है कि सलमान खान ने शाहरुख खान को गाली तो दी है, लेकिन क्या बोला, अबे मैं तुझे गाली भी देता हूँ भाई, तुझे याद नहीं है पुरानी फिल्मों में तुझे गाली भी दी थी। बस इतनी बात को लेकर थंबनेल क्या बनता है कि सलमान खान ने शाहरुख खान को दी गाली, उसको ही देख के आप उस पर क्लिक करते हो, राइट। जब क्लिक करते हो तो उसके व्यूज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं थंबनेल। अब थंबनेल आपको ऐसा रखना है अपना जो अट्रैक्टिव हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार थंबनेल तो होता ही नहीं है शेयर चैट में, तो ये क्या मतलब बोल रहा है। तो थंबनेल नहीं बोल रहा हूँ मैं, थंबनेल के लिए ये बोल रहा हूँ कि आप जब कोई पोस्ट डालते हो या फिर कोई पोस्ट शेयर चैट की देखते हो आप, तो उसमें देखते हो ना कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है ऊपर, तो आपने डिस्क्रिप्शन में ही वो चीज़ लिखनी है जो एक थंबनेल को इंडिकेट करता हो, जो एक थंबनेल को समझता हो।
ऐसी आपको चीज़ उसमें लिखनी है। तो यहाँ पर उससे होगा क्या, अब थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं। जब उससे वही सारी चीज़ें होंगी जो आपकी YouTube पर होती है, मतलब आपका जो डिस्क्रिप्शन है जब वो इंसान पढ़ेगा, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आप एक वीडियो आपने बनाई जिसमें एक म्यूज़िक आपने लिया और स्लो मोशन में बनाई वो, ठीक है। तो आजकल स्लो मो बड़ा चल रहा है, तो जब स्लो मोशन में आप कोई वीडियो बना रहे हो तो आपने डिस्क्रिप्शन में जैसे कुछ ऐसा लिख दिया कि स्लो मो करते करते हुआ पागल, अब इंसान पागल, जो देख रहा है वो भी पागल कि यार एक्चुअल में है क्या ये। तो जब उसको क्लिक करेगा तो पागल तो हुआ ही था, अब मतलब स्लो मोशन हर जगह स्लो मोशन करते करते वो पागल हो गया। तो ये एक थॉट है कि आप स्लो मोशन कर रहे हो, लेकिन उसका प्रोसेस है जनरेट व्यूज़ करने का कि आपने उसकी डिस्क्रिप्शन उससे अच्छी लिख दी। बस यही एक वजह है जो YouTube पर बहुत सी चीज़ आप देखते होंगे कि वायरल हो जाती है। YouTube पर बहुत सी ऐसी चीज़ है जो थंबनेल की वजह से अच्छी व्यूज़ मिल जाते हैं उसे। तो वही चीज़ आज आपको आपने शेयर चैट पोस्ट पर कर दिखानी है। यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी होंगी आपको जो दो तीन पोस्टों में आपका नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपको ये बात समझनी होगी कि शेयर चैट पर जब कोई पोस्ट आप डालोगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन जितनी अच्छी लिखोगे उतने ही आपके व्यूज़ भी जनरेट होंगे। समझ में आ रही है बात आपको? अब अगर कुछ समझ में नहीं आता है आपको, तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा ना। जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसके लिए मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को रहता है, हर एक मिनट पे आप देखते हो सब्सक्राइब बटन का एक बॉक्स आ जाता है, लेकिन वो बॉक्स जाने के बाद एक मिनट के बाद एक नीचे ईमेल भी आता है और वो इस वक्त भी आ रहा है। तो इस ईमेल पर क्या करना है आपको, ये जो ईमेल है यहाँ पे, इस ईमेल पर आपको अपना एक स्क्रीनशॉट शेयर चैट का और क्या उसमें दिक्कत है वो मेरे को ईमेल पर शेयर करनी है, अगर आप भी कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो। लेकिन याद रहे आपको अपना स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो किसी दूसरे फ़ोन से आपको खींचकर डालनी है अगर आप चाहते हो कि मैं उसका समाधान करूं या फिर कोई इस पर वीडियो बनाऊं तो, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं कमेंट पर आपकी वो सारी चीज़ें नहीं समझ सकता जो मैं मेल पर जो आपके स्क्रीनशॉट या वीडियोज़ के माध्यम से ज़्यादा समझ पाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप भी ऐसी चाहते हो तो मेरे को मेल करते रह करो और वीडियो को लाइक कर देना भाई, कर दिया हो तो बड़ा बड़ा धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। ऐसे ही आप देखते रहो शेयर चैट की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही,